पोको F1 के लिए टैग OS का अपडेट आ गया है, जनवरी का ये बिल्ड है और लास्ट दिसंबर में किया था, वही फर्स्ट वीडियो भी किया था टैग OS के ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का फुल रिव्यू किया था उस पर, तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या कुछ न्यू मिलता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टैग OS वर्जन जैसे कि हमें 13.0 मिल जाता है, ऑफिशियल बिल्ड है ये पोको F1 के लिए, एंड्रॉयड वर्जन 13 हमें मिलता है और सिक्योरिटी पैच अपडेट करके अब जनवरी 2023 की मिलती है। कर्नल भी अपडेटेड है, सिल्वर कोर का 10.20 मिलता है, लास्ट में 10.18 था और यहाँ पे सेलिनक्स इन्फोर्सिंग मिलता है। वहीं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में हॉटस्पॉट आपका काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, ना ही कोई चेंज हुआ है। कनेक्टेड डिवाइस ज़रूर यहाँ पे फिक्स हुआ है। कास्ट की अगर बात करें तो अब काम कर रहा है कास्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से, लास्ट बिल्ड के अंदर फिक्स नहीं था, प्रॉब्लम कर रहा था लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया गया इसको। और ऐप्स के अंदर में यहाँ पे असिस्टेंट मिल जाता है जो कि ओके गूगल काम कर रहा है। गेम स्पेस पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लॉन्चर इसके अंदर में पिक्सल का ही देखने को हमें मिलता है एंड नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं। बैटरी के अंदर ऐसे बैटरी यूजर्स के ज़रूर यहाँ पे काफ़ी लेट ऐड होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो, डैशबोर्ड में भी इसके दिखा नहीं रहा था और यहाँ पे बैटरी यूजर्स पे 23 मिनट के करीब ही शो कर रहा था स्टार्टिंग में। बाकी सेटिंग सिमिलर ही रहेगी। वहीं बैटरी की बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 85% आया है, लास्ट बिल्ड के अंदर 87% तक हमें देखने को मिला था। और इस बार जैसे कि डैशबोर्ड में भी कुछ भी शो नहीं करा था उस टाइम एंड यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में सिर्फ हमें एडिप्टिव साउंड न्यू देखने को मिलता है, इससे साउंड स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, ये न्यू ऐड किया गया। बाकी मीडिया ये सब आपको पिछले अपडेट में बताया था, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं है और डायरेक्ट साउंड आपका वर्किंग रहता है, सिलेक्शन भी इसके अंदर आ जाता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्ले के अंदर लोकेशन पूरा सेम रहेगा और बाहर भी अगर आप देखते हो तो बाहर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बाहर भी सब कुछ सेम है, रोटेशन अभी नॉर्मली सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ वॉलपेपर न्यू ऐड किया गया, न्यू वॉलपेपर है, बाकी और कुछ चेंज यहाँ पर नहीं मिलता। एक्सेसिबिलिटी सेम रहेगी। हॉर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरे कस्टमाइजेशन में सिस्टम में तो बिल्कुल चेंज देखने को नहीं मिलता है एंड स्टेटस बार में सिर्फ यहाँ पे चेंज किया हुआ है कि पहले नेटवर्क स्पीड के टॉगल पे अगर हम टैप करते थे डायरेक्ट अंदर एंटर कर जाते थे, अब अलग से अंदर एंटर करने के लिए दिया है, उसके टॉगल के साइड में क्लिक करोगे तभी एंटर करोगे, नहीं तो फिर टॉगल पे पहले क्लिक करने पर एंटर हो जा रहा था बार बार, ये चीज़ फिक्स किया गया। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे फिर आपका जेस्चर की सेटिंग्स हो, लॉक स्क्रीन की हो, मेन्यू की हो, पावर मेन्यू की, नोटिफिकेशन, मिसलेनियस, किसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वहीं पे उसको फिक्स किया गया, बाकी कुछ भी चेंज न्यू देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी की बात करें, इंक्रिप्शन की बात करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड आता, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ और यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट पहले से था, सेटिंग भी सेम मिलती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम भी करता है पहले जैसा ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों अच्छे से काम करता है, आईआर फेस अनलॉक के साथ में आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी को लेकर के। और नीचे फिर सेफ्टी इमरजेंसी और डिजिटल वेल्बिंग है, और जैसे कि बताया डिजिटल वेल्बिंग के डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो कल का यहाँ पे 31 मिनट ही ऐड दिखा रहा है, जो कि यह काफ़ी लेट ऐड होना स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग का ऐड ही नहीं हुआ था। एंड वहीं सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर कुछ एप्लीकेशन और सपोर्ट अब देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे दो एप्लीकेशन। और जेस्चर के अंदर में यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग्स पूरी सेम मिलती है, थ्रीवेटन नेविगेशन भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। और स्वाइप्ड स्क्रीनशॉट ये भी अच्छे तरीके से काम करता है यहाँ पे, मतलब यानी कि जेस्चर की किसी भी सेटिंग में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ पहले वाला ही रहने वाला है। नीचे फिर अपडेटर मिल जाता है, वहीं अगर आपको हाइड नॉच करना होगा तो फिर डेवलपर ऑप्शन के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगा पहले की तरह। और एनिमेशन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, इसका एनिमेशन इंप्रूव हुआ यहाँ पे इसके अंदर में, पहले स्क्रॉल करने पे एनिमेशन पे लैग हो रहा था, फील हो रहा था, जो अब ये चीज़ देखने को मुझे यहाँ पे नहीं मिली, ये चीज़ बेटर हो गई इस बार अपडेट में देखा हूँ। स्क्रॉल करने वाला जो है यहाँ पे इशू हो रहा था वो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी इम्प्रूव किया गया इसके अंदर में, तो एनिमेशन ज़रूर यहाँ पे बेटर हुआ है पिछले अपडेट से। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी भी आपको एडिट वाले पे मिलता है, यहाँ से ऐड कर लेना। और इंटरनेट का टाइल जैसे पहले था उसी तरीके से रहेगा, अभी भी यह हॉटस्पॉट इसके अंदर नहीं मिलता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स के साथ में आती, तो यहाँ पे भी कुछ न्यू देखने को नहीं मिलता। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले भी उसे लाइट लैग यानी कि ना के बराबर ही अब हो रहा है लैग, जब से ये फिक्स हुआ है अभी फिलहाल तब देखोगे कुछ असर नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल ही रह रहा है, ये जरूर यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन इसका फिक्स हुआ है, अच्छा आप देखने को मिल जाता है, इंप्रूव हुआ है एनिमेशन में। और वॉल्यूम पैनल तो हालांकि स्मूथ ही एक्सपेंड हो जाता है, ऐप ओपनिंग के अंदर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथ ओपन हो रहा है ऐप ओपनिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट का ऑप्शन काम करता है, सेलेक्ट का मिल जाता है, जी एप्सन क्रोएड वाला बिल्ड इसका इंस्टॉल किया हूँ और इसके अंदर हमारा यहाँ पे
प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है, तो सेफ्टी नेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। विदाउट रूट बैंकिंग ऐप आराम से यूज कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है और रीसेंट वॉलपेपर भी मिल जाते हैं। वहीं अगर हम कैमरे की बात करें तो पहले नॉर्मल कैमरा मिला करता था, अब यहाँ पे अपर्चर का कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेटेड वाला देखने को अपर्चर का कैमरा मिल जाता है। GCam इंस्टॉल कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, FM काम करता है और यहाँ पे पल्स म्यूजिक ही आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे स्टैग OS का जैसे कि वॉलपेपर ऐप जो पहले था उसी तरीके से मिल जाएगा। और गूगल फोटो के अंदर अभी भी अनलिमिटेड स्टोरेज हमें नहीं मिलता इसके अंदर में, इसके अंदर आपका ये जो है देखने को नहीं मिलेगा अनलिमिटेड स्टोरेज, गूगल फोटो में पहले भी नहीं मिला करता था। और कॉलिंग के अंदर में वोल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है, जियो ट्राई क्या काम कर रहा है, पहले भी काम कर रहा था, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट करता है बट वर्किंग रहेगा, और ब्लूटूथ डिवाइस ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर में। एंटूटू स्कोर यहाँ पे 425,574 है, पिछले में भी 425,000 ही स्कोर मिला था, और CPU थ्रोटल यहाँ पे 82% है, लास्ट बिल्ड के अंदर में 87% देखने को मिला था, और Geekbench स्कोर यहाँ पे सिंगल पे 504 है, मल्टी के अंदर 2173 है, लास्ट बिल्ड में सिंगल में हमें 264 आया था और मल्टी के अंदर 1563 तक जो है देखने को मिला था, तो ये भी बेटर ही है पिछले से। और यहाँ पे गेम स्पेस में कोई चेंज नहीं रहेगा, गेम स्पेस आपका वही सेम पहले जैसे मिल जाएगा, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ग्राफिक भी अगर आप देखोगे तो ग्राफिक भी सेम ही रहती है जो बाय डिफॉल्ट अनलॉक मिलता है पोको फोन में, वही आपको मिलेगा। स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे मैं खेलने वाला इसके अंदर में। अब यहाँ पे अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस पहले भी मैं आपको बोला था ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती, बिल्कुल तगड़ी वाली तो नहीं है लेकिन जो पहले मिला करती थी वही परफॉर्मेंस अभी भी रहेगी, लेकिन जो एनिमेशन है वो ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। हालांकि यहाँ पे गेमिंग के अंदर कुछ खास फर्क ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको इसके एनिमेशन में देखने को ज़रूर मिल जाएगा, और थोड़े बड़े जो चेंज यानी कि थोड़े बहुत ही चेंजेस मिलते हैं, ज़्यादा कुछ खास अभी फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ है, वही सब अभी हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और कुछ खास यहाँ पे चेंज तो देखने को नहीं मिलता, बट गेमिंग जैसे कि बताया सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन इम्प्रूव हुआ है, बैटरी सिमिलर से रहती है, ज़्यादा कुछ खास बैटरी में भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।